बिना यूजीसी नेट किए और पीएचडी किए या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा यानी सेट उत्तीर्ण किए भी क्वालिफाइड किए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी अपडेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट कि यूजीसी नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं और बिना आप यूजीसी नेट और पीएचडी किए भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, यूजीसी प्रोफेसर की भर्ती के लिए निकाले गए 40 से ज़्यादा विज्ञापन, यूजीसी नेट पीएचडी की ज़रूरत नहीं। ये 40 से ज़्यादा जो है विज्ञापन निकाले गए हैं किसकी भर्ती के लिए? प्रोफेसर की भर्ती के लिए। और सबसे मज़े की बात क्या है कि आप नेट हैं या नहीं हैं, पीएचडी क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, स्टेट पात्रता परीक्षा सेट क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, बिना इनके भी आप जो है डायरेक्ट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा विज्ञापन इसके लिए निकाले जा चुके हैं। कहाँ पर आपको विज्ञापन मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ठीक है, और पूरी डिटेल से मैं इसके अंदर आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की संख्या बढ़ाने को लेकर इनकी भर्ती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पास होना या पीएचडी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोफेसर बनेंगे इनको नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये नए नाम से जो है यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, और इनके लिए नेट या पीएचडी या सेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। 40 से अधिक जो यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा विज्ञापन जो है इसके लिए जारी किए गए हैं। देखिए आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी पीओपी की संख्या बढ़ाने को लेकर इनकी भर्ती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में इनकी नियुक्ति जल्द होगी। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्ती के लिए के जरिए आयोग शैक्षणिक संस्थानों तथा इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स को लाना चाहता है। इनकी भर्ती के लिए 40 से ज़्यादा नोटिफिकेशन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल पर जारी किए जा चुके हैं। तो अगर आप टेक्निकल जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जिसके अंदर यूजीसी के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, जिनके अंदर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट भी आयोजित नहीं कराई जाती है, वो फील्ड भी आपको बताऊंगा कि किस फील्ड से रिलेटेड जो है ये 40 से ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और ये आप कहाँ देख सकते हैं? ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। ये एक नया यूजीसी के द्वारा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। इसके ऊपर जा करके और आप ये नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ माह पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा था कि अपने संबंधित संस्थानों में प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की सेवा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर लेने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को स्किल बेस्ड एजुकेशन से जोड़ने पर जोर दिया गया है, इसलिए यूजीसी पीओपी के जरिए उच्च शिक्षा में प्रैक्टिशनर पॉलिसी मेकर्स स्किल प्रोफेशनल्स की एंट्री कराकर इसका स्तर सुधारना चाहती है। विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, बिना यूजीसी नेट और पीएचडी के बने प्रोफेसर इस राज्य सरकार ने दी मंजूरी जाने सैलरी और योग्यता। जिन व्यक्तियों की अपने विशिष्ट पेशे में कम से कम 15 साल की सेवा या अनुभव के साथ विशेषज्ञता है वे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए पात्र होंगे। तो ये जो पोस्ट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जो किसी भी विशिष्ट पेशे में
पेशे कौन कौन से हैं, व्यवसाय कौन कौन से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास में 15 साल का सेवानुभव है, ठीक है, तो आप उसके अंदर विशेषज्ञता रखते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके लिए UGC नेट या PhD डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग अलग फील्ड है, इन फील्ड्स के अंदर जो व्यक्ति विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स है और जिसको 15 साल का सेवा का या कार्य का अनुभव है, वो जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। POP कॉन्ट्रैक्ट शुरू में 1 वर्ष तक के लिए हो सकता है। किसी संस्थान में POP की सेवा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी सूरत में कुल सेवावधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर ज्वाइनिंग कराएंगे आपको, तो शुरुआत के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा। फिर आपकी कार्य के आधार पर, आचरण और व्यवहार के आधार पर आपकी सेवा को अधिकतम 3 अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 4 वर्ष से अधिक जो आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब गेस्ट फैकल्टी के तरह से होंगे कि इनको केवल किसी फील्ड विशेष के अंदर विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए इनकी जो है भर्ती संबंधित यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्री या विशेषज्ञ संस्थान के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रोफेसर बोल सकते हैं, या प्रैक्टिस के प्रोफेसर बोल सकते हैं, उनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।